लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलना चाहते हैं, कुछ लोग सुनना चाहते हैं। आपको फैसला करना होगा कि बुद्धिमानी किसमें है। कुछ लोग व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ अनुभूति करना चाहते हैं। यह अनुभूति है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है, न कि अभिव्यक्ति। मुझे पता है कि आप फ्रॉयड की संतान हैं, क्योंकि आधुनिक मनोविश्लेषण और मनोरोग विज्ञान ने यहां तक कह दिया है कि आपको व्यक्त करना होगा, वरना आप पागल हो जाएंगे। आप अपना पागलपन व्यक्त करेंगे, यह दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हर कोई दुनिया में अपना पागलपन व्यक्त करने में व्यस्त है। हर कोई दुनिया में अपनी कमियों को व्यक्त करने में व्यस्त है। हर कोई दुनिया में अपने पूर्वाग्रह और राय को व्यक्त करने में व्यस्त है। इस अभिव्यक्ति का फायदा क्या है, मैं पूछता हूं। चिड़ियां चहचहा रही हैं, यह आदमियों के ट्वीट करने से कहीं ज्यादा मधुर है। तो अभिव्यक्ति जीवन को खर्च करने की तरह है, इसको खर्च करना। अनुभूति जीवन को बेहतर बनाना है। आपके लिए यह जीवन बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, खर्च करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। जीवन के इस पल में आप बस आराम से बैठिए और उन सभी चीजों को देखिए जिनकी अभिव्यक्ति आपसे हुई है। सामाजिक नजरिया छोड़ दीजिए, बस जीवन की तरह देखिए। आप एक दिन पैदा हुए और आप एक दिन मर जाएंगे। इसके बीच में वो सारी चीजें जो आपने कही हैं और की हैं और व्यक्त की हैं, इनका मतलब क्या है? जीवन में इनका महत्व क्या है, आपके जीवन में या किसी और के जीवन में? ठीक है, इस पल में मैं कुछ कह सकता हूं और किसी को प्रभावित कर सकता हूं। शायद मैं किसी बच्चे को कुछ सिखा सकता हूं और क्या कहते हैं, उसे कुछ सिखाने में, सही से रहने में सहायता कर सकता हूं या ऐसा कुछ। लेकिन असल जीवन में, जीवन के अंश के रूप में, इसका क्या मतलब है? जो भी चीजें मैंने व्यक्त की हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी आपने अनुभूति की है, वो आपको जीवन में आगे, काफी आगे लेकर जाएगा। आपने पहले से जो भी थोड़ी बहुत अनुभूति की है, अगर आप उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ठहरो। ये बेचैनी, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में है। ये एक अमेरिकन चीज हुआ करती थी, लेकिन अब यह हर जगह है। हर कोई बेचैन है। इससे पहले कि वो 20 साल के हों, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ हो जाए। हर चीज जो आप जीवन में कर सकते हैं, वो हो जानी चाहिए, क्योंकि इस चीज की बेचैनी है। एक डर है कि कहीं आप खुद को व्यक्त ना कर पाए। अभिव्यक्ति के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अनुभूति की गहराई में जाते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति शाब्दिक नहीं, कर्म से नहीं, बल्कि आकाशीय तरीके से होती है। और यही लोग हमेशा जीवित रहते हैं। आज मेरे अनुभव में, अगर मैं बस बैठ जाऊं, मेरे लिए चाहे आदि योगी हों या कृष्ण या बुद्ध या कोई भी योगी जो अपनी भौतिक प्रकृति से परे जिए, वो सब मेरे लिए अभी यहां पर हैं। वो यहां जीवित हैं, वो भूतकाल में नहीं है। जब मैं उनके बारे में बोलता हूं, मैं ऐसे बात करता हूं जैसे वो यहीं हैं, क्योंकि वो यहां हैं। जब आप अपने शरीर से काम करते हैं, तो ये अस्तित्व में एक तरह के निशान छोड़ता है और ये मिट जाता है। अगर आप अपने मन से शक्तिशाली तरीके से कुछ काम करते हैं, तो ये बड़ा निशान छोड़ता है, लेकिन ये कुछ समय बाद मिट जाता है। अगर आप अपनी भौतिक ऊर्जा को विशेष तरीके से गुंजायमान करते हैं, तो ये एक बड़ा, बहुत बड़ा निशान छोड़ता है, जो बहुत लंबे समय तक रहता है, फिर ये मिट जाता है। अगर आप इससे परे कुछ करते हैं, आप अपनी मूलभूत चेतना से कुछ करते हैं, तो जो निशान आप छोड़ते हैं, वो हमेशा के लिए होते हैं। जब धरती नहीं रहेगी, आपको पता है, आप जानते हैं, सौर मंडल का अपना एक जीवन काल है। जब ये अपने में ही समा जाए या फट जाए, जिस तरह से भी ये खत्म हो, धरती के जाने के बाद भी
जो कुछ खास लोगों ने छोड़ा है वो रहेगा। आपने मार्कंडेय के बारे में सुना है? मार्कंडेय सौर मंडल का विनाश होने पर भी जीवित रहे और फिर वापस आए, क्योंकि जो आप अपनी चेतना के साथ करते हैं वो भौतिक चीजों के साथ नहीं मरता है। भौतिक चीजों के मरने का मतलब किसी इंसान के मरने से नहीं है। जब सौर मंडल भी मर जाए, ब्रह्मांड भी मर जाए, पूरी गैलेक्सी मर जाए, जो आपने चेतना के स्तर पर किया है वो नहीं मरेगा। यह हमेशा के लिए निशान छोड़ता है और हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। किसी भी प्रकृति का कोई भी जीव जो जरूरी बोध रखता है, उस जीव के लिए यह हमेशा उपलब्ध रहता है। तो अपने जीवन को अभिव्यक्ति पर फोकस ना करें, यह बेकार जाएगा। परसेप्शन, लेट दिस लाइफ बी अ लाइफ टाइम ऑफ परसेप्शन। अनुभूति, इस जीवन को अनुभूति का जीवन काल बनाएं। सारी साधना ज्यादातर अनुभूति की दिशा में होती है। अभी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, हम उनसे वो बोलने को कह रहे हैं जो वो जानते भी नहीं है। ये खतरनाक रास्ता है। मैं लगातार उन्हें सावधान कर रहा हूं, एक टीचर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो अज्ञानता आत्मज्ञान का रूप ले लेगी, जो कि बहुत बहुत खतरनाक है, जो हर जगह हो रहा है। किताबें और इंटरनेट लोगों के साथ यही कर रहे हैं, कुछ भी ना जानते हुए आप सब कुछ जानते हैं, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक, अगर आप अपने जीवन में आकाशिक तत्व कुछ मजबूती और उपस्थिति के साथ लाना चाहते हैं, तो एक चीज है, लोग सालों के लिए मौन में क्यों जाते हैं? कोई अभिव्यक्ति नहीं, केवल अनुभूति। क्योंकि आप कह क्या सकते हैं? आइए सुने, ये सुने कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता क्या कह रहे हैं। हमें सुनना है, हमें अनुभूति करनी है, व्यक्त नहीं करना है। तो साधना ज्यादातर 95% अनुभूति की तरफ है। अगर हम इसे अभिव्यक्ति की दिशा में करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लोग हर तरह की कमियों में अभिव्यक्ति पाने लगेंगे जो उनमें है। आप में जो कमियां हैं, बेहतर है कि वो अभिव्यक्त ना हो, क्योंकि इससे आसपास की हर चीज दूषित होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गंदे विचार फैलाने जा रहे हैं या गंदी भावनाएं, गंदी ऊर्जा, नहीं। सीमित रहना सबसे बड़ा जहर है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नकारात्मक करना है। सीमितता आपके कष्टों का आधार है, सीमितता आपके कष्टों का मूल कारण है। सीमितता जो लोगों ने फैलाई है, विचारों की सीमितता, भावनाओं की सीमितता, अनुभव की सीमितता, सबसे बड़ा जहर है जो लोगों ने निगला है। ये जितना कम बाहर आए उतना ही अच्छा, बिल्कुल बाहर ना आए तो सबसे अच्छा। लोग यहां 25 साल से साधना कर रहे हैं, हम उन्हें एक बार भी बोलने नहीं देते, क्योंकि उन्हें व्यक्त नहीं करना है, उन्हें बस अनुभूति को गहरा करना है, लगातार गहरा करते जाना है। क्योंकि आपको जो अनुभूति करनी है वो करोड़ों गुना, हजारों लाखों करोड़ों गुना उस चीज से बड़ी है जो आप कभी व्यक्त कर सकते हैं।